परसेंटेज के फाइनल आंकड़े को लेकर सियासत गर्मा गई है। वोटिंग के फाइनल आंकड़े देर से जारी करने पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने कहा कि अनुमानित पोल और फाइनल पोल में कभी इतना अंतर नहीं आया। इधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस जैसे ही हारने लगती है ठीकरा ईवीएम और वोट पर डालने लगती है। बीजेपी इस बार 10% ज्यादा वोटों से जीतेगी। पहले अनुमानित मतदान बताता है, तो जब पहले चरण का मतदान हुआ और दूसरे चरण का, तो निर्वाचन आयोग ने अनुमानित मतदान 60% बताया और उनको एक या दो दिन बाद एग्जैक्ट बताना चाहिए कि कितना पोल हुआ। उन्होंने क्या किया कि 10 दिन तक बताया ही नहीं। ये इतिहास में भारत के पहली बार हुआ कि मतदान के बाद एग्जैक्ट पोल कितना हुआ ये 10 दिन तक बताया नहीं। और अनुमानित पोल और एग्जैक्ट पोल जो है उसमें कभी इतना अंतर नहीं आया। जब 10 दिन बाद निर्वाचन आयोग ने मतदान का प्रतिशत बताया तो कहा 66.1% मतदान हुआ है, यानी 6% का अंतर था अनुमानित में और एग्जैक्ट पोल जो हुआ उसमें। नहीं देखिए, हार की पटकथा कांग्रेस ही पहले से तैयार करते हैं, कभी चुनाव आयोग, कभी ईवीएम और कभी व्यवस्थाओं पर दोष, पर अपने नाकारा नेतृत्व और नीतियों पर दोष नहीं देते जिन्होंने इस देश में कभी विकास नहीं होने दिया। आज मोदी जी की गारंटी का प्रभाव और उत्साह यह है कि अन्य प्रदेशों की तुलना में मध्य प्रदेश ने मतदान का रिकॉर्ड बनाया है। इस बार जब चुनाव के परिणाम आएंगे भाजपा 10% अधिक वोट शेयर हासिल करेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यूपी के महोबा में चुनावी सभा की। सीएम ने महोबा के बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनावी सभा की। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। सीएम ने भगवान कृष्ण और आल्हा उदल की धरती का जिक्र किया, कहा कि उन्होंने एमपी में नई शिक्षा नीति में सनातन धर्म को शामिल किया है। नई शिक्षा नीति 2020 हमने लागू की और नई शिक्षा नीति लागू करते ही मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करके स्थान दिया। और शिक्षा नीति में क्या किया, शिक्षा नीति में भगवान राम के विविध प्रसंग, सबरी से झूठे बेर को राजकुमार खा सकता है, आदिवासी अंचल में ये एकमात्र देश कौन सा हो सकता है, वो केवल भारत हो सकता है, हमें इस बात का गर्व है। बोले भगवान रामचंद्र महाराज की। चित्रगुप्त जयंती पर सीएम यादव ने भोपाल के प्राचीन नेवरी मंदिर में पूजन किया। और आपको बता दें मोहन यादव और मंत्री विश्वास सारंग ने मन कामेश्वर महादेव नेवरी मंदिर में दर्शन पूजन किया, भगवान चित्रगुप्त की आरती में भी शामिल हुए। सीएम ने इस मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि जीवन का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त के बिना मानव का उद्धार संभव नहीं है। आज भगवान चित्रगुप्त का जन्म दिवस है। मैं आज इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हुआ था। मेरे साथ माननीय मंत्री कैलाश जी, विश्वास कैलाश सारंग जी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाज के, उनकी मौजूदगी में इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। आने वाले समय में हम इस तीर्थ को और अच्छे से विकसित करेंगे। मैं आज सभी समाज बंधुओं को भगवान चित्रगुप्त की जयंती की बधाई देता हूँ और खास करके आज ये महत्व और जब बढ़ जाता है जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। सांस्कृतिक अनुष्ठान का एक महायज्ञ की तरह माननीय मोदी जी देश भर में सभी ऐसे देवस्थानों की चिंता कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में भोपाल की एक पहचान ये भी बनेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। एमपी में पुलिस का नया शब्दकोश बनाया गया है। अब ताजीरात ए हिंद, अदालत, कैदखाना, तहरीर और तफ्तीश जैसे 69 शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगी। इस बात की जानकारी कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने दी है। विश्वास सारंग ने कहा कि एमपी पुलिस अब आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करेगी जिससे जनता को कोई दिक्कत ना हो। भाषा में जो शब्द उपयोग होते हैं वही सरकार की रोजमर्रा की जो कार्य पद्धति उसमें उपयोग होना चाहिए और पुलिस से सीधा सीधा आम जनता का ही संबंध रहता है।
इसलिए बहुत अच्छा है कि वो शब्द उपयोग हो जिनका जिनका ज्ञान लोगों को हो, जो रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग होते हो, ये स्वागत योग्य कदम है। तो वहीं चुनाव खत्म होने के बाद एमपी में बीजेपी की सीटों के आंकलन पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि एमपी में 29 कमल खिलेंगे। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हम सभी 29 सीटें जीतने वाले हैं। कमल मध्य प्रदेश में खिलेंगे, सभी सीटें हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और 400 सीट के पार से नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। और केवल सरकार ही नहीं बनेगी, इस देश के नवनिर्माण का जो सपना हमारे क्रांतिकारियों ने देखा वो भी पूरा होगा।